दर्ज किए गए मोबाइल नंबर के लिए पीओ के नंबर है 3 4 6। तो हेलो दोस्तों, क्या आपके पास एक कीपैड फ़ोन पड़ा हुआ है एंड उस कीपैड फ़ोन में जो सिम लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया, वो दोस्तों सिम ब्लॉक्ड हो चुका है, एंड आप जब भी उसे अनलॉक करने जाते हो देन आपसे वहाँ पे पीओ के कोड्स वगैरह मांगा जाता है एंड साथ ही आप पासवर्ड भी भूल चुके हो किस पासवर्ड के साथ आपने उस सिम को लॉक किया था, उस सिम को बंद किया था। तो डोंट वरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह से आप उस ब्लॉक्ड हुए फ़ोन को अनब्लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है। बस एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को आप मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। तो नेक्स्ट दोस्तों, आप जो भी आपका सिम ब्लॉक्ड हो चुका है उसे किस तरह से आप अनब्लॉक कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा। अगर आपके स्क्रीन पे अभी बोल रहा है कि इंटर पासवर्ड, सबसे पहले आप करो क्या, यहाँ पे कंटिन्यूसली आप 2-3 बार यहाँ पे गलत पासवर्ड दो। यहाँ पे गलत पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट आपको सामने इंटर पीओ के कोड्स वगैरह यहाँ पे आने लगेगा। तो सिंपली से सबसे पहले आप यहाँ पे ये स्लॉट को यहाँ पे सबसे पहले लाओ। तो अब नेक्स्ट दोस्तों, आपका जो फोन पीओ के कोड मांग रहा है उसे हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, उसे हम कहाँ से ला सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली से करना क्या होगा दोस्तों, आप कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। तो कॉल किस तरह से कर सकते हो, सपोज दैट कि जो आपका सिम ब्लॉक पड़ा है वो वोडाफोन कंपनी का है, सिंपली से आपको करना क्या है, किसी और बंदे को ढूंढना है जिनके पास ऑलरेडी से वोडाफोन का सिम है। तो सिंपली से आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा एंड वहां से आपको यहां पे वो पीओ के कोड मांगना होगा। मांगना किस तरह से वो दोस्तों अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने यहां पे कस्टमर केयर को कॉल करके अपना जो पीओ के कोड है उसे मंगाया। हां, उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपका कोई भी कंपनी का सिम है लाइक दैट कि आपका मान लो एयरटेल का, तो सिंपली से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आपका कोई और कंपनी का तो सारा कंपनी का यहाँ पे आपको स्क्रीन का नंबर दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे आप इस पे कॉल कर सकते हो। एंड जो भी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के साथ यहाँ पे मैंने अपना पीओ के कोड को लाया, तो सिंपली से पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद आप इजिली से अपना पीओ के कोड को ढूंढ सकते हो। बैलेंस और डिडक्शन यानी बताया और कटौतियों के लिए एक दबाएं, खोए गए सिम संबंधी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए PUK के लिए, अपने पोस्ट पेड नंबर संबंधी जानकारी पाने के लिए और IVR की भाषा बदलने के लिए 5 दबाएं। कृपया वो नंबर एंटर करें जिसके लिए आप PUK पाना चाहते हैं। आपके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर है 8 6 7। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। अपने जन्म साल को YYYY फॉर्मेट में दर्ज करें। दोस्तों, आपने जिनके भी आधार कार्ड पे ये सिम बाय किया, सिंपली से उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे, लाइक कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 1998, सिंपली से वहाँ पे आप ओनली 1998 डाल के ओके कर दो। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर के लिए पीओके नंबर है 3 4 6 2 9 6 2 0। पीओके एंटर करने के बाद सिस्टम पिन के लिए संकेत देगा, अपने पसंद के कोई भी 4 अंक दर्ज करें। तो दोस्तों, अभी आपको कस्टमर केयर से आपका पीओ के कोड वगैरह मिल चुका है, तो आपको नेक्स्ट अप करना क्या, सिंपली से यहाँ पे जहाँ पे आपका फोन में पीओ के कोड मांग रहा है, सिंपली से यहाँ पे अपना वो पीओ के कोड को एंटर कर दो। एंटर करने के बाद सिंपली से ओके डाल दो। अब यहाँ पे आपको इंटर न्यू पिन बोल रहा है, तो सिंपली से अपने अकॉर्डिंग आप जो भी पिन रखना चाहते हो सिंपली से आप यहाँ रख सकते हो। लाइक मैं 1 2 3 4 रख लेता हूँ, रख के यहाँ सिंपली से ओके कर देता हूँ। फिर से एक बार बोल रहा है तो फिर से एक बार वही सेम पासवर्ड 1 2 3 4 मैं एंटर करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे वेटिंग हुआ एंड आपका सिम अनलॉक हो चुका है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपका जो प्रॉब्लम था कि आप किस तरह से अपने लॉक्ड सिम को, अपने ब्लॉक्ड सिम को अनब्लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड साथ ही दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और प्रॉब्लम है, आपके मन में कुछ और डाउट है, आप किसी और प्रॉब्लम में हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।